चलो कर लो भाई। चलिए तो हम लोग का अभी आज पढ़ना क्या है, पॉइंट पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट नंबर 6, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज योगा वी इंस्टेंट, क्या आएगा लिमिट। ये आपको थोड़ा बहुत पहले याद होगा, मैंने सब कभी पढ़ाया था पीछे, जब मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो याद था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर ही आता है डीएक्स अपॉन डी टी। क्लियर? डीएक्स अपॉन डी टी। यहां देखिए, इसका मतलब साफ साफ होता है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको कर दिया डिफरेंशिएट। तरीके से ठीक है, तो यू कैन से इसके बारे में पहला पॉइंट क्या आया? देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड नंबर, इट्स यूनिट सर, आर। फिर वो आईएनएस के बाद टीटी लिखा है क्या फॉर्मेट पे? ये हाँ, हाँ ये टी लिखा हुआ इंस्टेंट, ऐसे यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर, ये सब इसमें चलता रहता है। ठीक है, आप इसमें कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ये आपका इतना आ जाएगा। इफ इनिशियल पोजिशन इक्वल फाइनल पोजिशन, देन यस पटा दीजिए, इसका आपको कोई मतलब नहीं, इसका भी इसको मेक करना ही नहीं है। हम पढ़ाएंगे एवरेज, पढ़ाएंगे एवरेज में इतना लिखिए, सब क्वेश्चन में आ गए। अब यहाँ पे जो लिखा है मैंने डीएक्स अपॉन डीटी लिखा है आपके सामने, हो सकता है कि ये डीएक्स अपॉन डीटी ना हो, ये हो डीवाई अपॉन डीटी, क्योंकि जब आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट तो उसके सिंबल एक्स वाई जेड आर एस एच डी ये सब होते हैं, हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे फॉर्मूले में डी एक्स अपॉन डी टी लिखा हो सकता है कि डी वाई अपॉन डी टी लिखा हो सकता है कि डी जेड अपॉन डी टी लिखा हो सकता है कि डी आर अपॉन डी टी लिखा हो सकता है कि डी एस अपॉन डी टी लिखा हो, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इसमें। तो जो इसके सिंबल्स आते हैं डिस्प्लेसमेंट के, अब बोलते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड आर एस डी एच ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब लिखेंगे आप वेलोसिटी तो वो हो सकता है डी एक्स अपॉन डी टी, हो सकता है डी वाई अपॉन डी टी, हो सकता है डी जेड अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, डी डी अपॉन डी टी। वैसे डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी डी मतलब डबल हो गया तो ये थोड़ा ऑड लगता है, क्या होगा डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी, ऐसा उस पर बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ये सभी इसमें पॉसिबल है, हो सकते हैं। क्लियर? ध्यान से लिखिएगा।
और इसमें क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, क्वेश्चन आता है इसमें ये कि इफ एक्स इक्वल टू, ये लिखा होता है टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस थ्री इतना, देन फाइंड द वेलोसिटी एट टी बराबर जीरो टू एंड फाइव सेकेंड्स, ठीक है इतना आएगा। इतना करिए समझिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फंडा ये होता है भाई हमको वी पता करना होता है। तो आप कहेंगे सिंस एक्स क्या होगा टी स्क्वायर फोर टी माइनस थ्री, तो वी कितना होगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, एक्स क्या है टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस थ्री। सब क्वेश्चन में आ रहे बात ये, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बोलिए ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में ओपन कर, हाँ वेरी गुड, डिफरेंशिएशन याद आ गया आपको, हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन, तो डी एफ ऑन डी टी का नाम क्या है, मैंने क्या नाम पढ़ाया था भाई डी एफ ऑन डी टी को, मैंने कुछ नाम रखा था, क्या नाम होता है इसका ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर डी एफ ऑन डी टी, डी एफ ऑन डी एक्स, डी एफ ऑन डी वाई, डी एफ ऑन डी जेड कुछ भी बोल सकते, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर, और वो इन सबको करेगा ऑपरेट। अब लिखेंगे भाई कितना आता है मेरा आंसर, तो ये आता है डी एफ ऑन डी टी, ये आता है टी स्क्वायर प्लस फोर इतना आएगा, और माइनस ये तीन आएगा, ठीक है अब कितना आएगा अपने यहाँ से, देखिए वी कितना आएगा बताइए, इसका कितना आएगा आंसर डी अपॉन डी टी स्क्वायर का, और पीछे आएगी देखिए, और पीछे आएगी और पावर में कम हो जाएगा, फोर डी टी कितना आएगा इसका आएगा फोर आएगा, फोर वन और माइनस का जीरो, सो v क्या आएगा टू टी प्लस फोर, टू टी प्लस फोर हो गया इतना, और इसे लिखिए कितना का v नॉट, देखिए v नॉट क्या होता है जब टाइम जीरो हो, तो सिंपल सी बात होती है कि v के फार्मूले में आप लिखा है जहां पे t वहां रख दो जीरो, तो कितना आएगा ये टू जीरो प्लस फोर, आंसर आएगा फोर मीटर पर सेकेंड, ठीक है फिर यहां रखो वी वन, आपको बताएगा ना वन टू थ्री फाइव, सिक्स मीटर पर सेकेंड, वी टू कितना आएगा टू टू, दो दिन चार आठ मीटर पर सेकेंड, ठीक है वी थ्री दो तीन छह, तीन दुनी छह, छह चार दस आगे वी पांच, पांच
हो गया इतना, इज इट क्लियर, सब क्वेश्चन आ गया? यस सर। बताइए। यस सर। यहाँ तक इसमें लिखना था उसमें, ठीक है। और जो इसमें दूसरा नंबर आया इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी। हाँ बोलिए। ये टॉपिक दोनों बैचेस के लिए सेम ही है क्या? अभी मैं इसको अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। आपका आप सीईटी बैच के है ना? किस बैच के? यस सर, सीईटी बैच। सीईटी बैच, सीईटी बैच को भी अलग करना है क्योंकि उसको हमको फिर से दूसरा सिलेबस पढ़ाना है। अभी एक दो क्लास जो आपके साथ में है तो अभी पढ़ लेंगे, अदरवाइज ऐसे सीईटी बैच अलग होगा, आपकी अलग से क्लास होगी, अकेली क्लास होगी, तो उसमें हम कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान रखते हैं, अभी ये इस बैच से मर्ज है इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक। जब बैच सेपरेट होगा तो आपका सिलेबस भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, इसके लिख पॉइंट नंबर 7। एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देखिए एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, यू कैन से you can say net displacement upon time interval get time taken, yeah, delta x upon delta t, ठीक है, क्या आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा टी, ये आएगा एक्स फाइनल एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल टी इनिशियल, इसको लिखा, ठीक है। लिख लिया सामने सामने, इसकी जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज वही है जो प्रॉपर्टीज आपकी इसकी होती है इंस्टेंट वेलोसिटी की, बस जो आप न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट होता है, न्यूमेरिकल का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखिए जब आप निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के केस में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक है, हम बस डेल्टा एक्स निकालते हैं और डेल्टा टी पता कर लेते हैं। हम जब भी आपको पूछेंगे एवरेज क्या बोलेंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, तो जहां से आपका टाइम शुरू हुआ है उसको बोलेंगे टाइम इनिशियल, जहां पे आपका टाइम खत्म होगा उसको बोलेंगे टाइम फाइनल, और उसके बीच में आपका पूरा टाइम पता कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन था आपका कि इफ एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी, यही था ना क्वेश्चन आपका पीछे जो लिखा था, ठीक है, इतना दे रखा था। देन फाइंड, देन फाइंड the average velocity इतना, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्व,
जब करेंगे आप सॉल्व पहला वाला, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, देखिए x इक्वल टू दे रखा है इसमें टी स्क्वायर 43, ठीक है। अब पहला नंबर पता करना है, पहले क्या पता करना है, जीरो से टू है ना, तो x जीरो कितना होता है, मतलब कि आपकी इनिशियल पोजिशन क्या रखेंगे, जीरो फोर जीरो माइनस का 3 मीटर, और x टू आएगा टू का स्क्वायर 42 माइनस 3, कितना सॉल्व कर लो इसको, 2 का स्क्वायर 4, 4 दुनी 8, 8 4 12, 12 से 3 गया 9, सो वी एवरेज ये क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स क्या होगा x2 माइनस x2, टाइम क्या होगा 2 माइनस 0, कितना आएगा, देखिए उसने पूछा 0 से 2 सेकंड के बीच में, हम बोलेंगे कि x2 क्या होगा आपकी फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड योर फाइनल एंड दिस इज कॉल्ड योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, x2 क्या रखा आपको 9 और ये माइनस का 3 है, ये 2 आएगा, यहाँ से आपका वी एवरेज कितना आएगा, ये आएगा 3 9 3 12, 9 + 3 / 2, 9 3 12 / 2, 6 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज आएगा, और सेकंड क्या आएगा 1 और 4 पूछा गया है, तो पहले पता करेंगे एक्स वन कितना आता है, वन क्या आता है, स्क्वायर कीजिए 1 का स्क्वायर कितना इसका आंसर आएगा, देखिए 4 1 4 1 5 5 3 2 मीटर, और ये 4 पूछा गया ना, 4 एक्स 4 कितना आएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 4 6 16 16 32 हो गया, 32 से 3 गया कितना बचा, 29 मीटर, ठीक है, तब कहेंगे सो वेलोसिटी एवरेज डेल्टा टी, ठीक है, ये कितना आएगा एक्स 4 माइनस एक्स 1 x4 क्या होता है 29 - 2 अपॉन के 3 आएगा 27/3, ठीक है, तो व्हाट इज वी एवरेज, ये आएगा 3 9 9 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया, इज इट क्लियर, बताइए, यस सर, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको, बड़े इजी क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा भारी भारी नहीं रहेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं रहेंगे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, करिए, मैं कुछ क्वेश्चन और भी डाल दूंगा आपके भी ग्रुप में, ठीक है, आप वो कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और उनको करके मेरे को बताइए कि भाई आपको उसमें कितना आया कितना आपको नहीं आया, जो नहीं है हम लोग उसको बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, सबको समझ में आ गया ये पूरा, बताइए आज मैंने आपको पढ़ाया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, दो चीज मैंने पढ़ाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चा सबको समझ में आ गया, यस सर, यस सर, यस सर।